हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीटिंग एंड डिज़ाइन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो कलर में बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये तीन और यहाँ पे सात फंदे हैं, यहाँ पे तीन और फिर सात। आप इन फंदों के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट में सेट कर लीजिए फंदे, और साइड में एक एक फंदा एफ स्टिच का, बैक साइड बैक ड्रॉ सारी इसकी उल्टी की उल्टी ही बनती है, और फ्रंट साइड से ये ऐसे बनता है, और ये बैक रॉ से स्टार्ट होकर आता है। बैक रॉ से नेक्स्ट कलर इसका जो भी हमें लगाना है वो हम इसे बैक साइड से लगा कर लेकर आएंगे। तो चलिए देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। पूरी रॉ हम ऐसे ही बना लेंगे धागा अपनी तरफ। अगर आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऐसे ही हम इसकी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब देखें, धागा बैक साइड ही रखना है। यहाँ पे अब हमें तीन फंदे बनाने हैं, एक दो और ये तीन। तीन फंदे बनाने के बाद हमें इन सात फंदों को एक साथ बुनना है, चार पाँच छः और ये सात। इन सात फंदों को हमें धागा बैक साइड और इन सात को एक साथ ही बुन लेंगे। देखिए अब जो ये वाला फंदा है, हमें इस वाले फंदे को उठाना है और ऐसे इस सिलाई पे इन दो फंदों का एक बना देंगे ऐसे। फिर हमें इसी फंदे को फिर से उठाना है ऐसे, और इस फंदे के साथ हमें फंदे बनाने हैं। एक एक हमारा फंदा ये था, दो हो गए। अब तीन चार पाँच छः और ये सात। ये सात के सात फंदे हो गए। फिर हमें तीन फंदे बुनने हैं, दो और ये तीन। फिर से सेम वैसे ही तीन सात फंदों का हमें ऐसे एक फंदा बनाना है। फिर हमें ये वाला फंदा उठाना है बैक साइड से, और इस फंदे के साथ हमें इस फंदे को ऐसे लेकर ऐसे बुन देंगे ऐसे। धागा बैक साइड ही रखेंगे, दो का एक कर देंगे, और फिर इसे इसी फंदे को उठाना है ऐसे। फिर इसके साथ फंदे बढ़ाने हैं, दो तीन चार पाँच छः और ये सात। ये हमारे सात के सात फंदे हो गए। फिर से हमें तीन फंदे बुनने हैं, दो तीन। फिर से सेम वैसे ही सात फंदों का हमें एक बनाना है। थोड़े फंदे ढीले ही डालिए ताकि बुनने में आसानी हो। इन दो फंदों को ऐसे एक बना देंगे, फिर इसी फंदे को उठाएंगे ऐसे, और इसी फंदे के साथ हमें फंदे बढ़ाने हैं, दो तीन चार पाँच छः और ये सात। फिर से सभी फंदों को
ऐसे बोल देंगे। ये देखिए, ये दो रो का ही डिज़ाइन है। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। दूसरे कलर से हम धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, पूरी रो को ऐसे ही बुन लेंगे सभी फंदों को। ये देखें, उसके बाद देखें सीधी साइड से, ये एक रो हमें धागा अपनी तरफ रख के बनानी है। ऐसे पूरी रो हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम सेम ऐसे ही ये वाला बनाएंगे और बैक रो से हम अपना दूसरा कलर लगा कर लेकर आएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसकी पूरी रो बना ली है। अब देखें, अब ये वाले फंदे हमारे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे। साइडों में देखें हमें कितने फंदे छोड़ने हैं। यहाँ पे हम 8 फंदे छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे छोड़ने हैं हमें। 8 फंदों के बाद फिर से सेम वैसे ही 7 का एक बनाएंगे। उसके बाद इस फंदे को उठाएंगे ऐसे और इस फले फंदे के साथ 2 का एक बनाएंगे ऐसे। फिर से इसी फंदे को उठाएंगे और यहाँ पे हम 7 फंदे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर से यहाँ पे हमें 3 फंदे बनाएंगे। ये देखें, अब ये इन दोनों फंदों का इस वाले से और इस वाले के सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे। फिर से यहाँ पे 7 फंदे लेंगे। और इस फंदे को उठाएंगे ऐसे, बैक साइड से 2 का एक। फिर यहाँ फंदे बढ़ाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6
और ये सात, फिर यहाँ पे आठ फंदे हो जाएंगे हमारे, तीन चार पाँच छ सात और ये आठ। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने दूसरे कलर की ये अली रॉ बनाएंगे। देखें आप बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि कैसा बना। तो मिलते हैं अगले एक और प्यारे से वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।